हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्योति फूड एंड ब्लॉग में। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी माइक्रोवेव की न्यू न्यू रेसिपी शेयर करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ साबूदाने की खीर की रेसिपी। बहुत से लोगों की साबूदाना की खीर अच्छे से नहीं बनती है, कभी उनका जो साबूदाना के दाना है कुक नहीं होता है, कभी कभी उनका जो दूध होता है वो फट जाता है साबूदाना की खीर बनाते समय। तो आज मैं आप लोगों को माइक्रोवेव में इस तरह से खीर बनाना सिखाऊंगी जिससे आपका जो दाना है वो भी अच्छी तरह से कुक होगा और आपका जो दूध है वो भी नहीं फटेगा। तो सबसे पहले हमने ले लिया है एक कटोरी साबूदाना और आप देख सकते हैं मैंने इसमें 3 कटोरी करीब पानी डाला है, मतलब ऊपर तक इस तरह से पानी आ जाना चाहिए। अब इसे हमने 2 से 3 घंटे रख दिए थे। 2 से 3 घंटे में जो हमारा साबूदाना है अच्छी तरह से फूल जाता है, आप देख सकते हैं। अब मैंने ले लिया है एक माइक्रोवेव सेफ बोल। अब इसमें मैं डालूंगी 2 गिलास दूध। 1 कटोरी साबूदाना में आपको 2 गिलास दूध डालना है। मैं पूरा मेज़रमेंट करके दिखा देती हूँ जिससे कि आपका जो खीर है हमेशा अच्छी तरह से कुक होगी और बिल्कुल अच्छी तरह से परफेक्ट बनेगी। अब मैं सारे साबूदाना को इसमें डाल दूँगी और फिर इसे हम रखेंगे माइक्रोवेव में कुक होने के लिए। तो चलिए, साबूदाना डल गया है तो अब इसे माइक्रोवेव में कुक करते हैं। तो ये रहा मेरा LG का माइक्रोवेव है ये मेरा। अब मैंने कांच का बोल रख दिया है माइक्रोवेव के अंदर। अब मैं माइक्रोवेव का वॉट सेट करूंगी। यह है माइक्रोवेव का माइक्रो मोड, स्टार्ट की बटन को ऑन किया। अब मैं इसे हाई पावर पे ही कुक करूंगी 10 मिनट के लिए। आपके माइक्रोवेव का जो सबसे हाई पावर हो आप उसमें कुक करिएगा। ये मेरे माइक्रोवेव में 900 हाई पावर होता है तो मैं इसी में कुक करूंगी। और इस बीच में आपको साबूदाना को ना तो चलाना है, कुछ भी नहीं करना है, आपका जो साबूदाना है अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। जब हम गैस में साबूदाना की खीर बनाते हैं तो कहीं वो नीचे से चिपकती है और हमें रेगुलर चलाना पड़ता है, लेकिन माइक्रोवेव में ऐसा नहीं है। आप 10 मिनट के लिए इस तरह से रख दीजिए, आपकी जो साबूदाना की खीर है और साबूदाना है वो अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। 10 मिनट्स हो चुके थे तो चलिए मैं आप लोगों को निकाल के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए 10 मिनट में हमारे जो साबूदाना अच्छी तरह से कुक हो चुका है। ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है जब ये कुक हो जाता है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब इसमें मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ जिसमें मैंने बादाम लिए हैं, कुछ चिरौंजी ली है। आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट ऐड्स कर सकते हैं, आपको जो जो पसंद है आप सारे डाल सकते हैं। अब इनको मिला दिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी शक्कर। अब इसमें 1 कटोरी करीब शक्कर डाल रही हूँ। शक्कर आप अपने हिसाब से डालिए, यदि आपको कम मीठा पसंद है तो कम डालिए, ज़्यादा मीठा पसंद है तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब हमें इसे माइक्रोवेव में फिर से रखना है कुक होने के लिए, क्योंकि अब हमें इसे थोड़ा सा औटाना है जिससे कि जो खीर का फ्लेवर है बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा माइक्रोवेव में, क्योंकि मैं अब इसका वॉट को कम करूँगी। सेम आपको रेसिपी फॉलो करनी है जिससे आपकी खीर बहुत अच्छी तरह से बनेगी। तो अब मैं माइक्रोवेव का वॉट कम करूंगी। यह देखिए माइक्रोवेव का माइक्रो मोड सेट किया सबसे पहले हमने। अब मैं इसका वॉट सेट करूंगी 540। और अब मैं स्टार्ट की बटन को ऑन करूंगी और अब मैं इसका टाइम सेट करूंगी 4 मिनट्स का। ये देखिए स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये देखिए आ गया है हमारा 4 मिनट्स। ये देखिए ये आ गया 4 मिनट्स, और स्टार्ट की बटन को ऑन कर दिया। अब 4 मिनट्स में जो हमारी खीर है वो धीमी धीमी इसमें कुक होगी जिससे इसका खीर का जो फ्लेवर है बहुत अच्छी तरह से आता है। ये देखिए फ्रेंड्स 4 मिनट्स करीब हो चुके थे। अब मैं आप लोगों को निकाल के दिखा देती हूँ कि खीर हमारी किस तरह से बन के तैयार हुई है। टोटल 14 मिनट्स में हमारी जो साबूदाना की खीर है बिल्कुल तैयार हो चुकी है, फूड इज़ रेडी, टाइम हो चुका है। तो चलिए निकाल देती हूँ मैं इसे। ये देखिए स्क्रीन पे दिख रहा था आपको, माइक्रोवेव में लिखा था फूड इज़ रेडी और ये हमारी तैयार हो चुकी है 14 मिनट्स में साबूदाना की खीर। आप ये देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से कुक हुई है। अब हमें इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देना है किसी भी प्लेट से। आप अभी इसमें ड्राई फ्रूट्स अभी डाल सकते हैं या बाद में डालना हो तो बाद में डाल दीजिए। मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ और अब इसमें मैं थोड़ी सी डाल देती हूँ इलायची। अब एक प्लेट लेंगे हम और इसे ढक के रख देंगे, क्योंकि जो इसकी हीट है अभी काफ़ी है तो थोड़ा सा ढक देते हैं तो जो हमारा साबूदाना होता है वो और अच्छी तरह से फूल जाता है। तो मैं एक प्लेट ले लेती हूँ और इसे मैं ढक के रख देती हूँ 5 मिनट के लिए, ज़्यादा समय के लिए नहीं, सिर्फ 5 मिनट के लिए। मैम 5 मिनट्स हो चुके थे, अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल देती हूँ और आप देख ही सकते हैं हमारी खीर कितनी अच्छी से तैयार हुई है। साबूदाना का एक एक दाना ट्रांसपेरेंट हो चुका है, मतलब हमारा जो साबूदाना है बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुका है और हमारा दूध भी नहीं फटा है। इस तरह से आप भी माइक्रोवेव में खीर बनाइए,
साबूदाना की बहुत अच्छी तरह से बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनती है। अब मैंने ऊपर से थोड़े से पिस्ता और बादाम डाल दिए हैं जिससे हमारी खीर और भी सुंदर लगने लगती है। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलती हूँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ आप लोगों को एक और माइक्रोवेव वाला। अपना ख्याल रखिए। सी यू, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।